लज़ानिया बनाते हैं वाइट सॉस के लिए 2 टीस्पून बटर, 2 टीस्पून मैदे को अच्छे से रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा मिल्क डालेंगे क्योंकि गुठलियाँ ना हो, रिमाइनिंग 1 कप डाल देंगे, 1/8 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और 1 स्लाइस चेदार चीज़ की डाल देंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे सोल्ट टू टेस्ट और फास्ट फ्लेम पे 3-4 मिनट पकाएंगे। देखो ये लैडर के पीछे चिपक रहा है तो ये रेडी है। रेड सॉस के लिए 5 टमाटर, 6 कलियाँ गार्लिक, 1 प्याज, उसको 2 टीस्पून ऑयल में पेस्ट डाल देंगे सोल्ट टू टेस्ट, चिली फ्लेक्स ओरिगानो 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून और ढक के 10 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये रेड सॉस भी रेडी है। वेजेस सोटे करते 1 टेबलस्पून ऑयल में 1/2 टीस्पून गार्लिक, 1 प्याज, उसको सोटे करेंगे, 1/2 कप जुकीनी, उसे 2 मिनट सोटे करेंगे, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर दोनों 1/4 कप, पारबोल ब्रोकली, पारबोल बेबीकॉर्न दोनों भी 1/4 कप मिक्स करेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून केचप, चिली फ्लेक्स ओरिगानो 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून और इसे 2-3 मिनट सोटे करेंगे हाई फ्लेम पर। शीट के लिए 1 कप मैदा, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 कप पानी, इसको मिलाएंगे, 1/8 कप पानी डालेंगे और इसको है ना स्ट्रेच करेंगे 5 मिनट के लिए और उसमें मुझे 1/8 कप मैदा नीड हुआ है। अब इसको बेलना है तो इतना पतला बेलना है, देखो मेरा पाम दिख रहा है और जिस भी बर्तन में हम इसे बैक करेंगे उसके नाप से इसको हम काट लेंगे और बेलन थोड़ा सा मार लेंगे और इसको 2 घंटे के लिए ड्राई होने को छोड़ देंगे। पहले हमारी शीट लेंगे, रेड सॉस डाल देंगे, वेजिटेबल्स डाल देंगे और वाइट सॉस डाल देंगे, मुझे उतना चीज़ नहीं पसंद इसलिए मैंने इस लेयर में नहीं डाला। अगेन शीट डाल देंगे, रेड सॉस, वेजीज और वाइट सॉस डाल देंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ डाला है, तीसरी शीट डाल देंगे उसके ऊपर पर रेड सॉस, वाइट सॉस, वेजीज और प्रोसेस चीज़ भी डालेंगे और मोजरेला चीज़ भी डालेंगे और ऊपर का पूरा कवर करेंगे, एलपिनो हम डालेंगे और माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे 20 मिनट इसको बेक करेंगे। ये रेडी है, मुझे लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर